और ये ग्राउंड में अभी भी बच्चे बैठे हुए हैं, और अब यहाँ से कॉफ़ी पी के, ब्लैक कॉफ़ी, और उसके बाद में जो है एक गाड़ी सिलेक्ट करूँगा इनमें से, और सीधे जाएंगे मंडी, और मंडी से बच्चों के लिए जो केले हैं, सब्जी है वो वगैरह लेके आएंगे। अभी बच्चे खा रहे हैं चने और सोयाबीन। केले जो है थोड़ी सी धूप निकल जाती है तब देते हैं, क्योंकि सुबह सुबह गला पकड़ लेते हैं तो जुकाम का खतरा रहता है। अब मंडी के लिए आज बोलेरो लेके जाएंगे। अब सर हम बोलेरो लेके ही मंडी जाते हैं, क्योंकि इसमें राशन का सामान भी आ जाता है और रेगुलर मंडी जाना पड़ता है। तो वो मंडी यहाँ से एकेडमी से पड़ जाती है 15 किलोमीटर के लगभग, और इसी हाईवे से होते हुए मंडी पहुँचते हैं। और मंडी का भी आपको दृश्य बताएंगे, ज़्यादा बड़ी मंडी नहीं है इसीलिए चीज़ें थोड़ी वहाँ महंगी मिलती है। ये है देखो भाई मंडी, आगे का मिरर साफ नहीं है गाड़ी का, इस वजह से नहीं है। तो यहाँ से लेके जाते हैं ताज़ा सब्जियाँ जो कि आसपास के खेतों से आती है। महाराज मेन आदमी खड़े हो, ये देखो ये है मोती जी जो कि मंडी में काम करते हैं, और ये सारी सब्जियाँ एकदम ताज़ा है, ताज़ा फ्रेश फ्रेश फ्रेश। और हमारा सेट कहाँ है, केलों का सेट बाजेगा। ये देखो भाई यहाँ मंडी से सारी सब्जियाँ लेके जाते हैं, एक लोकल की छोटी सी मंडी है ये परमहंस, और ये मोती जी है, इनसे गोवर्धन जी इनसे ही सब्जियाँ लेके जाते हैं। प्याज क्या भाव है आजकल? प्याज आज 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो। और गोभी? गोभी है 15 रुपये किलो। 15? आज गोभी सस्ती होगी 25 से 15? अरे पूरी मंडी में गोभी गोभी है तो सस्ती, वो बात नहीं होती है। तो भाव होता है वो तो भाई भी होता है। अच्छा अच्छा, मंडी से हमने सारा सामान खरीद लिया है और अब हम जा रहे हैं मंडी के जो ओनर है वहाँ पे। 4 तारीख को उनकी शादी है, और उन्होंने कहा है कि भाई साहब एक बार घर पे तो आके मिलो आप कम से कम। तो भाई हमारी इतनी मदद करते हैं, वो सारी चीज़ें एकदम ताज़ा वाजिब रेट, पीछे तक देखो आप, ये सारा सामान खरीदते हैं और उनकी शादी है। और आपको भी दिखाते हैं कि मंडी में जो व्यापारी लोग हैं उनके घर कितनी दूर रहते हैं, सुबह कितना जल्दी वो उठते हैं, सारी परेशानियां झेलते हैं, और फिर 2 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। वो ठेले से तो बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है, जैसे ठेले पे केले 50 रुपये किलो हैं, या मंडी में 38, 36, 35 मिलते हैं, जैसे आज 36 रुपये किलो केले हैं। बाहर आप देखोगे तो गोभी 30 रुपये से नीचे नहीं है, 30 है 25 है, लेकिन मंडी में जो है 20-22 मिल जाती है। बाहर अगर प्याज देखो आप तो 80 रुपये 100 रुपये मनमर्जी के चल रहे हैं, टमाटर के मनमर्जी के चल रहे हैं, लेकिन मंडी में जो है 45 रुपये से 65 रुपये के बीच में आपको ये चीज़ें मिल जाती है। तो बहुत सी सहूलियत भी रहती है, और इनसे घरेलू ट्रम्स तो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से हम इन्हीं से सब्जी लेते हैं डिफेंस के लिए, तो एक घर परिवार जैसा माहौल रहता है। जो अपन सब्जी लेते हैं वो इधर के पीछे खेतों में भी, हर खेत में सब्जी सब्जी, और आगे देखो ये माली समाज के लगभग खेत हैं, तो यहाँ सब्जियाँ ही सब्जियाँ होती है। आप इधर देख सकते हो कि नई पौध लग चुकी है सब्जी के लिए, उधर भी सब्जी है, और ये देखो केवल सब्जियाँ ही सब्जियाँ हैं। ये गोभी जो अपन लेके आए थे, सब्जियों के खेत भरे हैं, हर खेत में इधर सब्जी है, फसल देखने को भी नहीं मिलती, लेकिन इसके लिए भी बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। ये छोटे वाले टूटियों के द्वारा इनकी सिंचाई होती है, चारों तरफ अगर आप नजर फैलाएंगे तो सब्जी ही सब्जी, और दिन रात काम करना पड़ता है खेत में। वो देखो उधर आपको खाद दिखाई देगी, ये खाद भी खरीद के लाते हैं और अपने घर में भी अपने गाय भैंसे रखते हैं, उधर गाय भैंसे आपको दिख रही है, इधर ये खूब सारी खाद जो पड़ी है, क्योंकि बिना खाद के सब्जी होती नहीं है, दवाइयाँ डालते हैं तो सब्जी खराब हो जाती है। इधर देखो पूरे खेत भरे हैं सब्जी, सोलर पैनल लगा लगा के, और दिन रात पूरा परिवार काम करता रहता है तब जाके। अभी ये देखो सब्जी की बुआई के लिए फिर से तैयार है, और उधर सब्जी लगी हुई है, उधर भी सब्जी है, ये सारे सब्जी सब्जी के लिए बनाए हुए हैं। यहाँ गोभी थी जो कि पूरी बिक चुकी है, तो दूसरी सब्जी के लिए फसल तैयार कर दी है। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ये देखो खाद, इसमें खूब खाद है लेकिन फिर भी ऊपर से खाद डाला जा रहा है, चारों तरफ सब्जी ही सब्जी। ये देखो लहसुन, हर वैरायटी की सब्जी आपको इस साइड मिल जाती है। ये पालक देखो, फिर सब्जी, यहाँ भी सब्जी, और ये
चुकी है छोटे छोटे फवारों से, बहुत मेहनत लगती। इसमें भी कटाई हो चुकी है, यहाँ गोभी थी पत्ता गोभी, पूरा सब्जियों का ही सब्जियों का। ये देखो, लोग कहते हैं आजकल नेचुरल सब्जियां नहीं मिलती, ये नहीं होता, मिलती है लेकिन गांवों की तरफ। शहरों में क्या है, जगह कम रहती है तो लोग उसी हिसाब से काम करते हैं। ये देखो भाई, गांवों के कच्चे रास्ते, इधर से इधर भी आप आगे देखोगे तो सब्जी है। और हम जिनके घर पे जा रहे हैं वो देखो वहाँ पे, इन्होंने शहर में जो लोकल में अपना खेत घर वगैरह थे उसको छोड़ के यहाँ पे अपने घर बनवाए। सिपाही अभी बाकी है।